भाई चलो ना अली पुत्र, गल सुन। बोला भी था जल्दी करो। ए पैसे किन ते वापसी दई लेके आई हला पुलीना। अस्सलाम वालेकुम, मेरे हस्बैंड से नाल गल कीती होसी, आज तो अली नु तुसी पिक एंड ड्रॉप दोगे। चलो ठीक है। अली पुत्र, मस्ती ना करी तो सीधा कार आई हला, प्यो तो पता ही ना, फिर मैं नहीं छुड़ाना। सीधा घर ही आना है ना मैंने, तो पैसों का क्या करूं? कोला इधर ही लेके। अली नाम है तुम्हारा? पता है मेरे भांजे का नाम भी अली है। मेरा भांजा बिल्कुल तुम्हारी तरह, पता है? उसको उस दिन उसकी मामा ने आटा लाने को भेजा तो वो भी इसी तरह निकल गया घर से बाहर दोस्तों के साथ। आजकल के बच्चे कहाँ सुनते हैं हमारी। और पता है बात ना सुनने की वजह ये, मोबाइल ही है। क्या उम्र थी जिंदगी में भी मेरी, ना घर की टेंशन, ना पढ़ाई की टेंशन और ना ही नौकरी की टेंशन। इस उम्र के बच्चे भी कितने खुश नसीब होते हैं। आप ही आया करेंगे रोज? I mean everyday pick and drop के लिए? जी, मैं ही आऊंगा। लेकिन अगर आपको कोई शिकायत हो तो आप मेरे मालिक को बता सकती हैं। वो कोई और ड्राइवर भी चला देंगे। नहीं नहीं, मैं बस इसलिए कह रही थी क्योंकि मैं जरा सफाई को लेके थोड़ी सी कॉन्शियस हूँ। गाड़ी साफ तो है, क्या गंद है इसमें? Oh
आई एम ऑन माई वे, बस पहुँच रही हूँ। अच्छा, एक काम करोगे यार, प्लीज़ मेरे लिए वो कॉफ़ी लेके रखना जो मैं रोज़ लेती हूँ। हाँ, आई विल पे यू वन सेकंड। हाँ हाँ, वही जो हम रोज़ लेते हैं। ओके ओके, बाय। 300 रुपये की एक कॉफ़ी और हर दिन मतलब 9,000। 9,000 रुपये सिर्फ कॉफ़ी पे, इतना तो मेरे घर का महीने का खर्चा है। ये अमीर लोग भी ना पैसे की कदर ही नहीं जानते। अब यही कॉफ़ी घर पे भी तो बन सकती है। यस बॉस जी, मैं बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ जी। फाइल जी बॉस मेरे पास ही है जी। भाई एक मिनट पीछे लेना, जरा फाइल उठानी है। जितना बड़ा घर उतने ही ज्यादा नखरे। सॉरी बॉस, आज थोड़ा जल्दी में। मेरा नाम सारिम है, और आपका? मेरा नाम जी, मैं बस 5 मिनट में पहुंच जाऊं। इमरान जी, मैं मीटिंग के लिए तैयार हूँ सर। इन बड़े लोगों को भी लगता है कि इनको बड़ी नौकरी क्या मिल जाए तो हम छोटे लोगों के साथ जैसा मर्जी सलूक कर लें। आखिर हम भी तो नौकरी कर रहे हैं, अब भला इनके क्या मसले होंगे। बड़ा घर मतलब 2-3 लाख तो तनख्वाह होगी, अब इसके अलावा और क्या चाहिए इनको। ये तुम्हारा दोस्त है? जी दोस्त है मेरा। तुम्हारी उम्र के लिहाज से ज्यादा बड़ा नहीं है? आपसे मतलब, अपने काम से काम रखो। अब क्या मसला है? तुम्हारे हाथ में क्या है? जो भी है मेरे हाथ में, तुमसे मतलब? घर में अम्मी अबू की बातें सुनो तुम्हारी। यहाँ कितनी दफा बोला है अपने काम से काम रखो। मेरे पास
अली कर लो जो करना है, मुझे क्या, अब इसकी रखवाली के थोड़ी पैसे मिलते हैं मुझे। बिल्कुल ठीक मैम, आप कैसी हैं? लगता है तबीयत कुछ खराब है आपकी। ओ, हाँ, वो सुबह तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, इस वजह से मास्क पहन लिया। आपके बच्चे? नो मैम। वैसे काफी पढ़े लिखे लगते हैं आप। जी बीए किया मैंने। अच्छा, तो फिर ये पिक एंड ड्रॉप क्यों? बस मैम, आजकल हम जैसे को नौकरी कौन देता है। हम जैसे मतलब? ठीक ठाक तो हैं आप। मतलब आप तो बड़े लोग हैं ना, आपको किस चीज की टेंशन होगी? हमारा तो पहले हुलिया देखा जाता है, फिर हमारा बैकग्राउंड। वैसे आपको नहीं लगता कि हम जैसों के भी कोई मसाइल होते होंगे? हाँ मैम, आजकल जिसके पास पैसा है भला उसकी कैसी मुश्किलात होंगी, ये सिर्फ कहने की बातें हैं, हमसे पूछे। हमारा साथ सिर्फ एक ही दिन का था बॉस। सर ये कहीं जा रहे हैं? नौकरी से निकाल दिया गया, पिछले 10 महीनों से कोशिश कर रहा हूँ दूसरी नौकरी ढूंढने की, लेकिन आजकल नौकरियाँ मिलती कहाँ है इतनी आसानी से। लेकिन सर आप इतने महंगे घर में। इंसान जब एक स्टैंडर्ड का आदी हो जाए तो उसको रियलिटी में लाने की जितनी भी कोशिश कर कभी अपनी रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करेगा। कुछ समझ आई इमरान भाई? चलो फिर मिलते हैं कभी इमरान।
ध्यान से ध्यान से। अली कौन था ये? कोई नहीं, छोड़े मुझे। ये वही है ना जिसने उस दिन तुम्हें हाथ में पैकेट पकड़ाया था। चलो अब तुम्हारे घर चलते हैं, तुम्हारी अम्मी को बताते हैं, फिर देखते हैं इसको कैसे। कहाँ है ना, नहीं जाना घर। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे घर बताओगे मेरे माँ बाप को कोई फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता उनको कोई, मैं जो भी करूं। तुम्हें क्या लगता है हम जैसे बच्चों को स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये बीमारियां क्यों होती हैं? ये मसले घरों से ही तो शुरू होते हैं। तुम्हें लगता है मेरे घर बता के तुम मेरे पे एहसान कर दो? नली मेरी बात सुन और मेरे पे प्लीज एक मेहरबानी करना, मेरे मेरे से मिलने की कोई जरूरत नहीं, ना मेरे घर वालों को कोई रब्ता करने की कोशिश करना। माफ नहीं कर पाओगे खुद को। मैं पहुंच रही हूँ। हाँ बस मेरे लिए वो वही यूजुअल कॉफी रख लेना। हाँ आई बी देयर। ओके बाय। पता है
दुनिया का सबसे आसान काम है किसी किताब को उसके सरवक से परखना। पिछले कुछ दिनों में मुझे यह एहसास हुआ है कि हर इंसान अपनी अपनी जंग लड़ रहा है। कुछ लोग जिंदा रह के अपने दर्द का इजहार करते हैं, कुछ लोग जिंदा रह के खामोशी अपना लेते हैं, और कुछ लोग तो जिंदा रह के भी मरना चाहते हैं। हर कोई अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी रहा है और हर कोई बगैर किसी बहस के उसका हकदार है। तो जब भी किसी इंसान की जिंदगी ठंडी हवा की तरह पर सुकून दिखे तो ये मत समझना कि इसकी जिंदगी में कोई गम नहीं। आप शायद उस दर्द को बर्दाश्त नहीं करना चाहेंगे जो वो अभी बर्दाश्त कर रहा है। याद रखें कि एक समुंदर की हदूद कितनी वसी होती है। जहां कहीं पानी पुरसुकून है, उसी समुंदर में दूसरी तरफ किसी तूफान से रोज कश्तियां डूबती हैं।